हेलो, नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? और बहुत बुरी खबर है। बहुत पता नहीं क्यों ऐसा जब होता है, लोग ना ऐसा करते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है। और पता नहीं क्यों लोगों से मुझे इतना लगाव है, लोगों से, पशु पक्षियों से। मैं अगर किसी की अगर दिल से एक बार चाह लेती हूँ ना, तो उस इंसान को छोड़ती नहीं हूँ कभी भी, किसी भी हालत पे। और खासकर मुझे जानवर के प्रति मुझे बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा लगाव है। तो अभी मैंने आरिफ सर का एक वीडियो देखा, 1 घंटा हुआ है शायद उसको पब्लिक किए हुए। मैंने अभी तुरंत देखा कि सारस को जो है वन विभाग वाले लेके जा रहे हैं, और मैं बहुत भावुक हूँ इस समय। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। और पता है ना, मेरे यहाँ भी एक डॉग है, मेरा जैक। मैं अभी यहाँ पे हूँ मम्मी के यहाँ, और मेरे साथ रहता है वो, और मेरे हस्बैंड के साथ रहता है। न मैं अभी रहती हूँ घर पे, वो दिन भर कैसे रहता है कैसे नहीं। हाँ, हालांकि घर वाले हैं उसको संभालने के लिए, बट बुरा लगता है यार। किसी जानवर को, अगर किसी इंसान को किसी से लगाव हो, तो उसको अलग मत कीजिए, क्योंकि मेरा ना, मुझे अंदर से एकदम ऐसा लगता है मैं टूट गई हूँ। मुझे ये कोई दिखावा नहीं है, कोई बनावटी चीज़ नहीं है, बस मुझे बहुत बुरा लगता है। कैसे कोई किसी को अलग कर सकता है? उसको प्लास्टिक में पूरा पैक करके, रेड प्लास्टिक के अंदर, गाड़ी के अंदर करके उसको ले जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि वो अकेले हो, सबके साथ, मान लीजिए सारे जानवर रहेंगे उसके साथ वहाँ पे वन विभाग में, लेकिन जिसके साथ वो रहता वो उसके साथ नहीं रहेंगे, तो उसको कितना बुरा लगेगा। और वो कैसे रहेगा? ये लोग, मैं जानती हूँ, मेरा जैक, मेरा डॉग खाना नहीं खाता, और मुझे यकीन है कि ये भी खाना नहीं खाएगा। ये लोग ना बीमार पड़ जाते हैं। और प्लीज़ ऐसा मत कीजिए किसी किसी के साथ भी। एक आवारा, इतने सारे जानवर घूम रहे हैं सड़क पे, गाय हो गई, इतने सारे गाय और पशु पक्षी बाहर घूम रहे हैं। अगर करना है ऐसे, उनका ख्याल रखना है, तो उनका ख्याल रखिए। वो लोग क्या खा रहे हैं? कचरा खाते हैं, प्लास्टिक खाते हैं, तो ध्यान रखना है, तो वन विभाग उनका ध्यान रखे, उनको लेके जाए जो जंगल में पड़े हैं। फिर कई महीने ऐसे होते हैं, मैंने कई जानवरों को देखा है गंदा चीज़ खाते हुए, प्लास्टिक खाते हुए, और तो उन्हें ले जाइए। ऐसा नहीं था कि सारस को खाना नहीं मिल रहा था, उसको सारी चीज़ें मिल रही थी, आरिफ सर दे रहे थे उसको खाने के लिए। और मेरा मुख्यमंत्री जी से प्लीज़ निवेदन है, मैं आग्रह कर रही हूँ उनसे, बस मैं कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ, निवेदन है, आग्रह नहीं है, निवेदन है कि प्लीज़, रिक्वेस्ट है कि आप सारस को, कहते हैं ना, मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा होता है, तो उन्होंने उनकी जान बचाई थी और उनके ऊपर उनका पूरा हक है। मानती हूँ कि आप उसका ख्याल रखने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन वो स्वस्थ नहीं रहेगा, वो ठीक से नहीं रहेगा। और प्लीज़ 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 उसे वापस कर दीजिए। ताकि आरिफ सर भी अच्छे से रह सकें और सारस भी सही से रह सके। अगर आपको लगता है, अगर
कि वो उसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो तब मैं मान सकती हूँ। मैंने देखा नहीं है, बस मैं इतना जानती हूँ कि जो दोस्ती होती है वो बहुत गहरी होती है, चाहे वो किसी भी इंसान की हो या जानवर इंसान की हो, पशु पक्षी किसी के भी हो। और ऐसी दोस्ती को प्लीज़ मत तोड़िए, प्लीज़। पता नहीं क्यों ऐसा सब सुनती हूँ ना, तो मेरा मेरा दिल ना बहुत कमज़ोर है, मैं अंदर से मैं बहुत टूट जाती हूँ। और मैंने जैसे ही अभी तुरंत खोला मोबाइल और देखा, तो मैंने सोचा फेक न्यूज़ होगा। फिर मैंने चालू किया, मैंने देखा कि उसको ऊंचा हार ले जा रहे हैं, हालांकि वो मेरे घर के पास ही में है, मैं वहीं वहीं पे रहती हूँ। और ऊंचा हार के समझपुर ऐसा कुछ, वहीं मैंने सुना, अभी मैं यहाँ पे हूँ, चौपन में हूँ, और रिक्वेस्ट कर रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि, और वन विभाग वालों से, कि प्लीज़ 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 सारस को, आरिफ सर को दे दीजिए, क्योंकि वो नहीं रह पाएगा। आरिफ सर हो सकता है कुछ दिन के बाद उसकी उनकी आदत पड़ जाए, लेकिन उनको भी बहुत तकलीफ़ होगी। प्लीज़ 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 उनको उनका सारस दे दीजिए। और मैं इसलिए नई वीडियो बना रही हूँ कि मुझे दिखावा करना है या मैं कोई ढोंग रच रही हूँ। मुझे सच में वाकई में इतना बुरा लग रहा है इस चीज़ का कि माफ़ी चाहती हूँ ये शब्द बोलने के लिए। अगर मैं होती तो मैं मार डालती हूँ, मेरा कोई चीज़ मुझसे कोई छीन के ले जाता, तो अगर मेरे जैक को ले जाता तो मैं उसकी जान ले लेती। मैं सब अगर ख्याल रखना है आपको तो सब चीज़ का ख्याल रखिए, एक ही चीज़ का ख्याल मत रखिए मुख्यमंत्री जी, सभी चीज़ का ख्याल रखिए, सब चीज़ अच्छा कीजिए। अब किसी की दोस्ती को मत तोड़िए, प्लीज़ रिक्वेस्ट। धन्यवाद।